हेलो फ्रेंड्स खुशी नीटिंग क्रिएशन में आपका स्वागत है देखिए फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए ये फ्लावर से बनी हुई एक जैकेट लेकर आई हूँ और देखिए कितना प्यारा हमने इसमें ये पैटर्न डाल के इसे बनाया है देखिए और ये हमने बत्तीस से चौंतीस चेस साइज़ के लिए बनाया है अगर आपको ये बड़ा बनाना है तो इसमें आप ये फूल की पत्तियाँ और बढ़ा लेना और जिससे इसकी लंबाई बढ़ जाएगी और इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी देखिए लंबाई में हमने इसमें एक दो तीन चार चार फ्लावर की हमने लंबाई रखी है अगर आपको लंबा पसंद है तो आप इसमें और लंबी बना सकते हैं इसमें एक और फ्लावर का पैटर्न ज्वाइंट करके इसे बना लेंगे और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसमें हमने देखिए यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ देखिए नौ दस ग्यारह बारह बारह पैटर्न की हमने इसमें चौड़ाई रखी है आपको अगर ये चौड़ा बनाना है तो इसमें आप दो पैटर्न और बढ़ा सकते हैं जिससे इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी अगर आपको छोटा बनाना है तो इसमें आप ये पै, जो हमने ये पैटर्न बनाया है इसे हम कम कर देंगे तो ये हमारी छोटी हो जाएगी और देखिए ऊपर हमने इसमें ये पैटर्न डालकर इसमें हमने ऊपर बनाया है और बहुत ही प्यारा हमारा ये बना है और बनाना भी बहुत ही आसान है उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं देखिए हम इस तीन प्लाई की वोल का इस्तेमाल करेंगे और देखिए जिसके अंदर ये तीन धागे होते हैं और यहाँ पर देखिए हम देखिए ये नाइन नंबर का हमने क्रोशिया हुक लिया है इसी से हम बनाएंगे तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं देखिए इस तरह से हम लूप बनाएंगे और यहाँ पर चेन बनाना स्टार्ट करेंगे ये हमारी फर्स्ट चेन बन गई है दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस देखिए दस चेन बनाई है अब हम इसे यहाँ पर फर्स्ट चेन के साथ स्लिप स्टिच करेंगे देखिए इस तरह से हमने इसमें स्लिप स्टिच किया तीन चेन लेंगे एक दो तीन तो देखिए यहाँ पर ये यह जो हमारी रिंग बनी है इसके अंदर अब हमें डबल क्रोशिया बनाना है एक हमारा ये बन गया है जो तीन चेन की है अब हम फिर से बनाएंगे ये दो हो गए तीन चार पाँच देखिए पांच बन गए हैं हमें ये ट्वेंटी फोर डबल क्रोशिया बनाना है तो इस तरह से इस रिंग के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाते हुए ये कंप्लीट करेंगे तो 24 डबल क्रोशिया हम इसके अंदर बना लेते हैं देखिए ये हमने 24 डबल क्रोशिया बना लिया है अब हम इसे थर्ड चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे एक दो तीन और थर्ड चेन में हम इसे इस तरह से देखिए स्लीव स्टिच किया है अब तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन धागा लेंगे देखिए ये नेक्स्ट चेन है इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे दो हो गए फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे देखिए ये तीन हो गए अब हम यहाँ पर दो चेन बनाएंगे धागा लेंगे और फिर से हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन तीन हो गया अब हम यहाँ पर दस चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस देखिए दस चेन बनाए धागा लेंगे और नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें कोई भी चेन नीचे स्किप नहीं करनी है हर एक चेन के अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है एक बन गया दो तीन तीन बन गए और फिर से दो चेन लेंगे फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन फिर से दस चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस धागा लेंगे फिर से नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से एक फिर नेक्स्ट चेन में दो फिर नेक्स्ट चेन में तीन अब देखिए फिर हम दो तो चेन लेंगे और फिर हम नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे एक फिर नेक्स्ट में बनाएंगे दो फिर से बनाएंगे तीन हो गया देखिए इस तरह से फिर हम एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस धागा लेंगे और हम यहाँ पर देखिए नेक्स्ट चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन तीन हो गए दो चेन लेंगे और फिर हम यहाँ पर तीन चेन है ये देखिए लास्ट में इनके अंदर हम तीन डबल क्रोशिया अब देखिए ये जो तीन चेन है इनके अंदर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे एक दो तीन अब फिर से दस चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस हो गए अब हम यहाँ पर थर्ड चेन के साथ इसे स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से वन चेन लेंगे और धागे को हम यहाँ पे कट करेंगे देखिए इस तरह से ये हमारा एक फ्लावर बना है अब हम इस धागे को पीछे यहाँ पे नोट लगा लेंगे इनके साथ देखिए इस तरह से पीछे से निकाल लेंगे एक और ऐसे ही बनाएंगे फिर से दस चेन लेंगे दस चेन लेने के बाद हम इसमें ये चौबीस डबल क्रोशिया बना लेंगे तो पहले बना लेते हैं देखिए ये हमने यहाँ पर चौबीस डबल क्रोशिया बना लिया है दस चेन के अंदर और अब हम इसमें देखें यहाँ पर फिर से एक दो तीन चेन बनाएंगे फिर धागा लेंगे ये नेक्स्ट चेन है इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ये दो हो जाएंगे नेक्स्ट चेन के अंदर बनाएंगे तो ये देखिए तीन डबल क्रोशिया बन गया दो चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन अब हम यहाँ पर दस चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस धागा लेंगे और यहाँ पर देखिए फिर नेक्स्ट चेन के अंदर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन दो चेन लेंगे और फिर से हम यहां पर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन देखिए अब हम यहां पर पांच चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच हाफ बनाई है हमने ये पाँच चेन बना ली अब देखिए इसके साथ हम ज्वाइंट करेंगे देखिए ये हमारा रॉन्ग साइड है और ये हमारी राइट साइड है तो दोनों रोंग साइड हम एक साथ करेंगे और यहाँ पर हम इसे इसके साथ देखिए यहाँ पर हमने पाँच चेन बनाई है और जो ये दूसरा फ्लावर है इसके बीच में हम यहाँ पर इस तरह से इसे जॉइंट करेंगे यहाँ पर ये ज्वाइंट हो गया अब फिर से एक दो तीन चार पाँच पाँच चेन बनाई है अब इसे छोड़ देंगे और यहाँ पर धागा लेंगे और फिर से हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए पाँच पाँच चेन बनाने के बाद हमने इसे ज्वाइंट किया है फिर से बनाएंगे दो तीन ये तीन हो गए अब हम दो चेन लेनी है लेकिन हमें इसे ज्वाइंट करना है तो हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे देखिए यहाँ पर हमने दो बनाई थी यहाँ पर भी दो बनाई थी तो अब हम पहले तो यहाँ पर एक चैन बनाएंगे और यहाँ पर देखिए ये इस तरह से रखेंगे देखिए इस तरह से तो यहाँ पर हम एक बनाएंगे इसे सिंगल करोशिया से एक चेन ली थी फिर से हम एक चेन लेंगे और हम यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे ये हमने बनाया एक दो तीन ये तीन हो गया देखिए अब हम फिर से पांच चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच और हम यहाँ पर इसे इस तरह से सिंगल क्रोशी की हेल्प से ज्वाइंट करेंगे फिर से हम पांच चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच पाँच बना लिया अब हम इसे यहाँ पर लेकर आएंगे धागा लेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया एक बार बनाया फिर से बनाएंगे दो तीन तीन बना लिया दो चेन लेंगे और देखिए यहाँ पर लास्ट में हमारे पास तीन चेन बची है इन तीन चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन तीन हो गए फिर से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस देखिए दस हो गए अब हम इसे थर्ड चेन के साथ यहाँ पर स्लीव स्टिच करेंगे चेन लेंगे एक और यहाँ पर धागे को हम कट करेंगे देखिए इस तरह से ये हमारी जॉइंट हो गई है पत्तियाँ इस तरह से बनाते हुए हम इसमें हर एक पत्ती बनाना स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर हम एक लूप बना लेंगे पहले और जब हम सेकंड लूप में आएंगे तब हम यहाँ पर पांच चेन बनाने के बाद इसे ज्वाइंट करेंगे और उसके बाद फिर से पांच चेन बनाएंगे और ये तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर हम एक चेन लेंगे और एक चेन को हम देखिए यहाँ पर जॉइंट करेंगे सिंगल क्रोशिया से फिर से एक चेन लेंगे और ये तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर हम पांच चेन लेंगे यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे फिर पांच चेन लेंगे और ये बनाएंगे इस तरह से बनाते हुए जाएंगे और हम इसमें कंप्लीट करेंगे तो देखिए एक बार और आपको दिखा देते हैं देखिए ये हमने एक इतनी पत्ती बनाई हुई है इसके अंदर हम देखिए पांच चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच हम देखिए इससे पत्ती को ऐसे रखेंगे और यहाँ पर हम देखिए इस तरह से देखेंगे यहाँ पर ये यह देखिए एक पत्ती बनाने के बाद हमने ये जो सॉरी एक लूप बनाने के बाद ये हमने जो दस चेन का एक लूप बनाया इसे बनाने के बाद सेकंड में हम इसे ज्वाइंट करेंगे तो इसे ज्वाइंट करने के लिए देखिए मैंने पाँच चेन बनाई है इसे हम इस तरह से पकड़ेंगे दोनों साइड हमारी उल्टी है तो हम इसे इस तरह से लेंगे और यहाँ पर देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे फिर हम पांच चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच पाँच हो गई धागा लेंगे और फिर हम यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो देखिए ये तीन हो गया अब हम एक चेन लेंगे हमने एक यहाँ पर चेन ली है यहाँ पर दो बनानी थी लेकिन एक बनाई है एक हम ज्वाइंट करने के बाद बनाएंगे देखिए अब हमें यहाँ पर इसे ज्वाइंट करना है तो देखिए इस तरह से ये देखिए इस तरह से हमने ज्वाइंट किया एक चेन लेंगे और धागा लेकर फिर से हम यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन हो गया अब फिर से हम यहाँ पर दो ज्वाइंट दो लूप बन गए हमारे तीसरे लूप में फिर से हम ज्वाइंट करेंगे तो ज्वाइंट करने के लिए पहले हम पांच चेन बनाएंगे ये दो हो गई तीन चार पाँच फिर से हम इसे यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे फिर से पांच एक दो तीन चार पाँच और फिर हम बनाएंगे यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया एक दो तीन एक चेन लेंगे और फिर से हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर से हम यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस ये हो गए अब हम इसे थर्ड चेन के साथ स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर फिर से हम धागा कट करेंगे देखिए जितना भी बड़ा आपको ये बनाना है देखिए जितना बड़ा भी आपको ये बनाना है प्रोजेक्ट उतना ही बड़ा आप इसमें ये पत्तियाँ बनाते हुए ज्वाइंट कीजिएगा और जिसका भी आपको बनाना है जिसके लिए भी बड़ा हो या छोटा उसकी आप शर्ट रख लीजिए या टी शर्ट उसे रखने के बाद हम इस तरह से रखेंगे और चैट्स से जैसा इसे देखेंगे कि ये कितनी पत्तियों पे आया है तीन पे है या चार पत्तियाँ बनेंगी उसी हिसाब से आप इसे बनाइएगा और लंबाई आपको जितनी रखनी है आप इसी तरह इस से लंबाई रखिएगा और लंबाई में भी हम पत्तियाँ बनाते हुए इसे यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे देखिए जैसे हमने ऐसे ज्वाइंट किया ऐसे ही हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे पत्ती बनाएंगे पांच चेन के साथ यहाँ ज्वाइंट करेंगे फिर एक चेन के साथ यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे पांच चेन के साथ फिर हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे तो हम अब अपने नाप के अनुसार इसे बना लेते हैं फिर आपको इसका आगे लुक दिखाएँ देखिए हमने इसमें दो लेयर बना ली है अब हम एक बार और आपको ये ज्वाइंट करना सिखा देते हैं कि हम एक पट्टी तो हमने बनाना सीख लिया था सेकंड में हम किस तरह से जॉइंट करेंगे तो यहाँ पर देखिए जब हमारी ये दो पत्तियाँ ज्वाइंट हुई हैं तो यहाँ पर भी देखिए एक फ्लावर बनकर आया है देखिए यहाँ पर ये यह देखिए कितना प्यारा फ्लावर बना है अब हम इस पर दोबारा से जॉइंट करना सीखेंगे कि किस तरह से करेंगे तो ये देखिए एक ही रो में हमारी जैकेट बनेगी तो यहाँ पर हमने एक ज्वाइंट किया है तो अब हम दोबारा दूसरा ज्वाइंट करेंगे देखिए जब हम दूसरा ज्वाइंट करेंगे जब हमने ये पहला ज्वाइंट किया था तो हमने इसमें एक लूप बना लिया था उसके बाद हमने दूसरे लूप में देखिए एक लूप बनाने के बाद दूसरा लूप बनाया था उसमें हमने इसमें ज्वाइंट किया था लेकिन जब हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे तो उसमें हम सिर्फ एक ये बनाएंगे छः डबल क्रोशिया बनाएंगे तीन ये हैं फिर दो चेन और तीन ये तो अब हमने ये बना लिया है इसके बाद हमने यहाँ पर ये पांच चेन बनाई है अब हम इसे ज्वाइंट करेंगे पांच चेन के बाद देखिए इस तरह से रखेंगे देखिए जब हम यहाँ पर भी जॉइंट करेंगे तो हमने पहले इतना ये बनाया था इसके बाद हमने ये लूप और फिर हमने देखिए ये देखिए इस तरह से इस तरह से बनाया और फिर हमने इसे यहाँ पर जॉइंट किया था तो यहाँ पर भी हमने इसी तरह से ज्वाइंट किया है ये छः बनाने के बाद हमने यहाँ पर पाँच बनाए और फिर जॉइंट किया अब देखिए हम इसे किस तरह से बनाए इस तरह से रखेंगे देखिए यहाँ पर इस तरह से रखेंगे पहले हम इसे इसके साथ ज्वाइंट करेंगे देखिए यहाँ पर फिर यहाँ पर बनाएंगे फिर यहाँ पर हम ज्वाइंट करेंगे और फिर यहाँ पर तो देखिए ये हमने छः डबल क्रोशिया बनाने के बाद पाँच चेन बना ली है अब हम इस पत्ती को उठाएंगे और इसे हम इस तरह से रखेंगे अब फिर से हम पांच चेन बनाएंगे एक दो तीन तीन चार पाँच धागा लेंगे और देखिए फिर से हम यहाँ पर छः बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले तो देखिए एक दो तीन तीन बना लिया एक चेन बनाएंगे और हम इसे देखिए यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे इस तरह से ज्वाइंट किया एक चेन लेंगे धागा लेंगे और फिर हम यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच पांच बनाया अब देखिए इसे इस तरह से रखेंगे पांच चेन बना ली है अब हम इसे यहां पर करेंगे देखिए इस तरह से यहां पर ये लेंगे और इसे हम बीच में इस तरह से देखिए इन लोप्स के बीच में यहां पर लेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे फिर से एक दो तीन चार पाँच धागा लेंगे और फिर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे तीन बार एक बार बनाया दो और तीन एक चेन लेंगे फिर रखेंगे देखिए यहाँ पर ज्वाइंट हुआ फिर इसे इस तरह से रख के देखेंगे हम कि अब हमें ये कहाँ पे ज्वाइंट करना है तो अब यहाँ पर हमने तीन बनाए हैं तीन यहाँ पर हैं तो अब हम इसके साथ यहाँ पर हमने एक चेन बना ली है अब देखिए यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से एक चेन लेंगे धागा लेंगे और तीन डबल क्रोशिया एक दो तीन देखिए तीन बनाए अब फिर से इसे इस, इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर देखिए अब हम आगे क्या बनाएंगे ये देखिए तीन बना लिए इसके बाद हमें पांच चेन बनानी है पांच चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच और इसे हम फिर से सीधा करेंगे और इसे देखें यहाँ पर यहाँ पर इसे ज्वाइंट करेंगे तो हम इसे यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे आपको सिर्फ ऐसे रख के देखना है कि हमें कहाँ पर इसे ज्वाइंट करना है देखिए ये सिंगल क्रोशिया हुआ फिर से एक दो तीन चार पाँच धागा लेंगे इसे देखिए हम फिर से यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन देखिए तीन बन गया अब देखिए यहाँ पर हमारा कोई नहीं है बना हुआ पेयर तो अब हम इसे सिंपल ऐसे ही बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया बना लिया है दो चेन लेंगे फिर यहाँ पर ये देखिए तीन चेन बची है हमारे यहाँ पर तीन पर तो देखिए अब यहाँ पर हम दो चेन बनाएंगे और ये जो तीन चेन है इनके अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया दो हो गए फिर से बनाएंगे तीन अब देखिए यहाँ पर अब हम फिर से दस चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस बना लिए हैं अब हम इसे यहाँ पर सिंगल क्रोशे से ज्वाइंट करेंगे थर्ड चेन में स्टिच किया वन चेन लेंगे और धागे को टाइट करके यहाँ पे कट करेंगे देखिए ये हमारा बन गया है सेम ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे और हम यहाँ पर ये पत्तियाँ ज्वाइंट करेंगे तो अब हम ये बना लेते हैं ये मैंने आपको एक बार बता दिया है कि, कि हम किस तरह से हम इसमें सेकंड पत्तियाँ ज्वाइन करेंगे तो हर बार हम ऐसे ही यहाँ पर फिर हम यहाँ पर इस तरह से ज्वाइंट करते जाएंगे और लेंथ कम्प्लीट कर लेते हैं देखिए फ्लावर की पट्टी हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आया है इसमें हमने चार फ्लावर की लंबाई रखी है अगर आपको लंबा बनाना है तो आप इसमें और भी बना सकते हैं और यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह हमने इसमें लंबाई में रखी है पत्तियाँ और चार की हमने इसमें इस तरह से बनाई है तो अब हम इसके ऊपर आर्म होल बनाएंगे तो वो देखिए किस तरह से बनाएंगे देखिए हम यहां से लेंगे और यहां पर हम धागा ज्वाइंट करेंगे इस तरह से एक दो तीन तीन चेन बनाई है धागा लेंगे और यहाँ पर हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे ये दो हो गए फिर से धागा लेंगे एक बार और बनाएंगे तो ये देखिए हमने तीन बार डबल क्रोशिया बना लिया है अब फिर से हम धागा लेंगे और ये देखिए यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर हमने ये तीन डबल क्रोशिया है ये देखिए दो रह गए इनकी भी हम हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे ये देखिए दो बन गए फिर ये नेक्स्ट है नेक्स्ट में हम एक बार बनाएंगे तो तीन हो गए यहाँ पर देखिए हमने दो चेन बनाई थी तो यहाँ पर हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से फिर हम ये तीन डबल क्रोशिया है तो हर एक चेन के अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन देखिए इस तरह से फिर से धागा लेंगे और यहाँ पर हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन फिर हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम एक बनाएंगे एक फिर हम यहाँ पर तीन बनाएंगे। एक दो तीन फिर से ये तीन चेन हैं इनके अंदर हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक फिर नेक्स्ट के अंदर जाएंगे, दो फिर नेक्स्ट के अंदर देखिए इस तरह फिर यहाँ पर हम एक बार बनाएंगे तो ये देखिए इस तरह से बनाते हुए रो कंप्लीट करेंगे देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है अब हम इसमें नेक्स्ट राउंड में हैं और यहाँ पर देखिए हम फिर से तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे फिर हम यहाँ पर देखिए धागा लेंगे और नेक्स्ट चेन में देखिए यहाँ पर हमें नहीं बनाना है नेक्स्ट चेन में बनाएंगे ये दो हो गई फिर से बनाएंगे तीन देखिए यहाँ पर हमने तीन डबल क्रोशिया बनाया है अब हम यहाँ पर देखिए एक चेन की गैपिंग लेंगे धागा लेंगे नीचे से एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बनाया फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे दो हो जाएगा फिर से नेक्स्ट चेन में बनाएंगे ये तीन हो जाएंगे तो देखिए इस तरह से फिर से हम एक चेन की गैपिंग लेंगे और हम यहाँ पर देखिए एक चेन छोड़ेंगे और नेक्स्ट चेन में हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन तो इस तरह से देखिए बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे बीच में हम एक चेन लेंगे और नीचे भी एक चेन स्किप करेंगे और फिर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे तो राउंड कंप्लीट करेंगे देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है अब हम इसमें फ्रंट का पार्ट और बैक का पार्ट और सेकंड फ्रंट का पार्ट अलग बन करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे तो देखिए यहाँ पर हम इसमें हमने यहाँ पर देखिए तो हमने यहाँ पर बारह ये पैटर्न बनाए हैं अपने तो इन्हें हम डिवाइड करेंगे तीन तीन हम फ्रंट में रखेंगे और छः हम बैक में रखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक दो तीन तीन हम इस तरह से फोल्ड करेंगे देखिए और तीन हमारे यहाँ पर होंगे तो इस तरह से ये हमारा बनेगा अब हम इसे इतने पार्ट को देखिए एक दो तीन तो यहाँ तक हम बनाएंगे और देखिए इन दोनों के बीच में दोनों पैटर्न के बीच में हमारा ये है इसे हम छोड़ देंगे आर्म होल की कटिंग के लिए तो यहाँ पर देखिए हम काउंट करेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस पैटर्न है हमारे अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप मार्कर भी लगा सकते हैं थोड़ी सी वूल कट करके भी लगा सकते हैं कि यहाँ तक हमारा बनेगा तो चलिए अब हम बनाते हैं तो पहले हम इसमें यहाँ पर हम तीन चेन बनाएंगे ये यह हमारी यहाँ पर यहाँ से हमारी गले की कटिंग स्टार्ट होगी तो तो देखिए यहाँ पर बनाएंगे एक दो तीन चार चार चेन बनाई है टर्न करेंगे और धागा लेंगे तो देखिए हमने जो यहाँ पर एक चेन की गैपिंग ली थी यहाँ पर बनाएंगे एक दो तीन तीन हमने बना ली फिर हम यहाँ पर एक चेन लेंगे धागा लेंगे और हम यहाँ पर फिर से तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन तो देखिए इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक आएंगे देखिए ये दस पैटर्न बनाने हैं हमें एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये यह दस यहाँ तक हम इसे बना लेते हैं देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है अब हम देखिए आगे इसमें यहाँ पर फिर से चार चेन बनाएंगे ये हम बाद में बनाएंगे तो पहले हम बनाएंगे एक दो तीन चार और टर्न करेंगे यहाँ पर हम फिर से बनाएंगे एक दो तीन एक चेन लेनी है और इसे हम इसी तरह से बनाते हुए फ्रंट तक आएंगे तो हम बना लेते हैं देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है हम यहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर हमारा गला है तो अब देखिए आगे हम किस तरह से बनाएंगे धागा लेंगे और हम यहाँ पर देखिए जो ये हमने चार चेन बनाई थी तो यहाँ पर हम इस तरह से बनाएंगे ये देखिए ये हमारा बन गया अब हम यहीं पर चार चेन और बनाएंगे एक एक दो तीन चार टर्न करेंगे और फिर से बनाएंगे धागा लेंगे यहाँ पर बनाएंगे देखिए अब हम यहाँ पर एक दो तीन देखिए इस तरह से इस तरह से हमारे गले की कटिंग होगी अब फिर से एक चेन लेंगे और बनाएंगे तो देखिए इसे हम बनाते हुए यहाँ तक लेकर आएंगे तो हम यहाँ तक बना लेते हैं पहले देखिए बना लिया है हम अब हम यहाँ पर आर्म होल की साइड में है तो यहाँ पर हम फिर से एक चेन लेंगे और यहाँ पर हम देखिए अब डबल क्रोशिया बनाएंगे तीन बार एक दो तीन फिर से हम यहाँ पर एक दो तीन चार चेन लेंगे टर्न करेंगे और हम यहाँ पर फिर से तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से बनाते हुए हम इसे फ्रंट तक लेकर जाएंगे तो फ्रंट तक बना लेते हैं देखिए बनाते हुए हम यहाँ फ्रंट तक आ गए हैं और अब देखिए यहाँ पर हम फिर से धागा लेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए डबल क्रोशिया हम इस तरह से बनाएंगे एक बार यहाँ पर बनाया एक बार यहाँ पर और फिर से इस तरह से ये इस तरह से बनाने से हमारा ये डबल क्रोशिया थोड़ा लंबा बन जाएगा अब चार चेन बनाएंगे एक दो तीन चार टर्न करेंगे और देखिए यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे तीन बार एक दो तीन तीन बार बनाया एक चेन लेंगे और फिर से हम बनाते हुए यहाँ तक आएंगे और यहाँ पर भी हम आने के बाद यहाँ पर हम तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर यहीं से हम टर्न करेंगे और हम गले की साइड बनाकर लाएंगे तो हम ये यह राउंड यहाँ तक और फिर आगे बनाकर लेकर आते हैं देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है और अब हम फिर से यहाँ पर गले की साइड में आ गए हैं यहाँ पर हम फिर से धागा लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे तो इस डबल क्रोशिया को हम तीन बार बनाएंगे एक दो तीन ये हमने बना लिया है फिर से चार चेन लेंगे एक ये हमने तीन बार इसलिए बनाया है अगर हम यहाँ पर जैसे हम टर्न करते हैं सीधी साइड हम यहाँ पर चार चेन बनाते हैं अगर हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, ट्रिपल क्रोशिया में हमें दो बार बल लेना होगा अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो ये हमारा ज़्यादा लंबा बन जाएगा देखिए इतना तो इसलिए हम डबल क्रोशिया को तीन बार बना रहे हैं तो ये ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा देखिए इस तरह से एक दो तीन चार टर्न करेंगे धागा लेंगे और यहाँ पर हम तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर से सेम बनाते हुए हम फ्रंट पर आएंगे देखिए तो इसे हम बना लेते हैं फिर आपको आगे दिखेंगे देखिए बनाते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं और अब हमारे यहाँ पर कटिंग कंप्लीट हो चुकी है अब हम इसे आर्म होल की लंबाई तक कंप्लीट करेंगे इसमें हम कुछ भी नहीं घटाएंगे और अगर हम पैटर्न की काम बात करें तो देखिए यहाँ पर काउंट करें सॉरी काउंट करेंगे हम यहाँ पर तो पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं ये यह देखिए यहाँ पर हम इस बार डबल क्रोशे नहीं बनाएंगे जैसे हम यहाँ पर बनाते थे ऐसे नहीं बनाएंगे अब हम यहाँ पर चार डबल ये तीन डबल क्रोशे की कली बनाएंगे एक दो तीन देखिए तीन बना लिया है अब देखिए यहाँ पर एक दो तीन चार पांच। पाँच पांच पैटर्न है और यहाँ पर यहाँ से अगर काउंट करेंगे एक दो तीन चार पाँच पांच ही पैटर्न बनेंगे तो इन्हें हम लेंथ कंप्लीट करने तक बनाएंगे अगर हम इसकी लेंथ कंप्लीट काउंट करें तो कितनी लंबी रखनी है देखिए यहाँ से हमने इसकी स्टार्टिंग की थी यहाँ से तो यहाँ से काउंट करेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह बन गई हैं पंद्रह हमें बनानी है तो तीन हम रो ऐसे ही बनाएंगे ये जो हमारे पांच कलियां हैं इन्हें ही बनाते हुए जाएंगे और इसकी हम टोटल पंद्रह रो बनाकर कंप्लीट करेंगे तो बना लेते हैं देखिए पंद्रह राउंड हमारे बनकर कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे देखिए गले की कटिंग इस तरह से बनकर आई है अब हम इसमें पहले बैक का पार्ट बनाएंगे और उसके बाद हम सेकंड पार्ट ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने ये वाला बनाया था तो हम यहाँ पर देखिए सीधी साइड है तो हम यहाँ पर धागा ज्वाइंट करेंगे देखिए यहाँ से हम हमें ये तीन डबल क्रोशिया स्किप करना है तो यहाँ पर हम धागा ज्वाइंट करेंगे और बनाएंगे एक दो तीन तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे ये दो हो गया फिर से बनाया ये तीन हो गया अब हम एक चेन लेंगे और हम नेक्स्ट चेन के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए इस तरह से फिर से एक चेन लेंगे और हम नेक्स्ट में जाएंगे तो हम इसी तरह से बनाते हुए दूसरे साइड में आ जाएंगे देखिए यहाँ पर हम दस पैटर्न छोड़ेंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस पैटर्न पे हमने देखिए यहाँ तक बनाएंगे ये तीन डबल क्रोशिया हम छोड़ेंगे देखिए अगर हम चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं जैसे हमने उसमें तीन ये पैटर्न स्किप किए थे एक दो तीन तीन पैटर्न के बाद ये जो बीच में यहाँ पर हमारा ये तीन डबल क्रोशिया आया था तो ये हमने छोड़ा था अगर आप चाहें तो यहाँ पर हम एक मार्कर भी लगा सकते हैं या वूल का धागा हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे कि हमें यहाँ तक बनाना है देखिए यहाँ पर बनाएंगे हम बैक के पार्ट में तो यहाँ पर अगर हम टोटल काउंट करेंगे तो कितने बनेंगे देखिए हम यहाँ से काउंट करेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, उन्नीस बीस और एक ये इक्कीस इक्कीस हमारे ये तीन तीन डबल क्रोशे की कलियाँ बनेंगी तो हम ये बना लेते हैं फिर आगे आपको दिखाएंगे। देखिए हमने यहाँ तक बना लिए हैं और हमारे इक्कीस ये कलियाँ बन चुकी हैं अब हम यहाँ पर चार चेन बनाएंगे एक हमने बना ली है दो तीन और एक ये चार अब हम इसे यहीं से टर्न करेंगे और हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हम बनाएंगे देखिए ये हमारा बैक का पार्ट है इसमें कोई भी कटिंग नहीं होगी सिंपल ऐसा ही बनता हुआ जाएगा इसमें हम तेरह राउंड बनाकर कंप्लीट करेंगे बैक के पार्ट में और दो राउंड में हम गले के ऊपर थोड़ी सी कटिंग करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे वो आगे आपको बताएंगे तो हम सेम ऐसे ही देखिए जैसे अब हम बना रहे हैं सिंपल ऐसे ही बनाएंगे और इसके तेरह राउंड कंप्लीट करेंगे देखिए ऐसे यहाँ से सिंपल ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे फिर उधर से हम यहाँ तक आएंगे और बनाएंगे इसे हम बना तेरह राउंड बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं देखिए बैक के पार्ट में हमने इसमें बारह सॉरी तेरह राउंड बनाकर कंप्लीट किए हैं और देखिए यहाँ से काउंट करेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और ये तेरह तेरह हमने इसके राउंड बनाकर कंप्लीट किए हैं अब हम इसमें थोड़ी सी कटिंग करेंगे गले में देखिए एक साइड में हमने ये कटिंग करके रखी है सेम ऐसे ही अब हमें यहाँ पर करनी है तो चलिए बनाते हैं वो किस तरह से करेंगे देखिए यहाँ पर हम इसमें काउंट करेंगे यहाँ देखिए हमने एक दो तीन चार पाँच पाँच पैटर्न लिए हैं तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से लेंगे हम यहाँ पर इसमें धागा ज्वाइंट करेंगे तो हम यहाँ से एक देखिए इसे काउंट करेंगे एक दो तीन चार पांच पाँच हमें बनाने हैं तो यहां पर हम रखेंगे क्योंकि यहां पर ये यह देखिए हमने एक डबल क्रोशिया बनाया है तो यहां पर हम धागा ज्वाइंट करेंगे देखिए एक दो तीन चार चार आ गया है धागा लेंगे और फिर हम इसे नेक्स्ट में जाकर बनाएंगे एक दो तीन एक चेन बनाएंगे और फिर से हम यहाँ पर बनाएंगे एक दो तीन एक चेन लेंगे फिर से बनाएंगे एक दो तीन एक चेन लेंगे फिर से हम यहां पर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये देखिए चार हो गए एक दो तीन चार और एक हमारा यहाँ पर बनेगा तो ये हमारे पांच हो जाएंगे एक चेन लेंगे और हम यहां पर देखिए ये जो हमारी थ्री की चेन है इसमें हम थर्ड चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर हमने एक चेन ले ली है तो एक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे तो इस तरह से देखिए ये बन गया अब तीन चेन बनाएंगे टर्न करेंगे देखिए अब हमने एक ये थ्री की चेन हो गई तो दो हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो एक चेन लेंगे फिर नेक्स्ट में जाकर बनाएंगे एक दो तीन एक चेन लेंगे फिर से बनाएंगे एक चेन लेंगे फिर से एक चेन और हम यहां पर बनाएंगे ये हमें जितने भी हमने मोढ़े पर रखे हैं उतने ही हम यहाँ पर बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच और ये जो देखिए हमने फ्रंट पार्ट के देखिए इसमें भी हमने यहाँ पर पाँच रखे हैं एक दो तीन चार पाँच तो इसी तरह से पाँच हमने बैक में रखे हैं अब ये लास्ट है तो लास्ट में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए इस तरह से अब ये हमारा बैक का पार्ट बन गया है अब हम इसे देखिए ये हमारा सीधी साइड है और ये हमारा देखिए ये उल्टी साइड सीधा देखिए इस तरह से रखेंगे और इन्हें हम इस तरह से ज्वाइंट करेंगे यहाँ पर इस धागे की हेल्प से हम इसे ज्वाइंट करेंगे और देखिए फ्रंट का पार्ट भी हमारा ऐसे ही बनेगा जैसे हमने दूसरा फ्रंट का पार्ट बनाया था यहाँ से हम इसमें धागा ज्वाइंट करेंगे देखिए यहाँ पर पहले एक बार हम ये ज्वाइंट करना सीख लेते हैं कैसे होगा फिर ये आगे आपको बताएंगे ये देखिए इस तरह से लेंगे देखिए यहाँ पर लेंगे इस तरह से और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे अब हमें यहाँ पर देखिए ये जो तीन डबल क्रोशिया इसकी फर्स्ट चेन में और तीन डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पर है इसके फर्स्ट की चेन में इस तरह से क्रोशिया होकर डालेंगे और हम इसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे अब फिर से हम यहाँ पर ये सेकंड डबल क्रोशिया है इसकी चेन के अंदर डालेंगे फिर यहाँ पर जो डबल क्रोशिया इसके सेकेंड चेन के अंदर और सिंगल क्रोशिया फिर ये थर्ड डबल क्रोशिया है इस तरह से अब यहाँ पर देखिए हमने वन चेन की गैपिंग ली है और वन चेन की गैपिंग हमने यहाँ पर ली है इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो इसी तरह से बनाते हुए हम इसे जॉइंट करेंगे तो इसे हम एक बार ज्वाइंट कर लेते हैं देखिए ये इस तरह से हमारे कंधे ज्वाइंट हो गए हैं और सीधी साइड से देखेंगे तो देखिए इस तरह से अब जो ये धागा हमने कट किया है इसे हम जो ये चीन बनाई है हमने इसके अंदर से इस तरह से निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा धागे को हम कट करेंगे तो देखिए इस तरह से ये हमारा फ्रंट का पार्ट ज्वाइंट हो गया है अब हम इसका सेकेंड पार्ट बनाना सीखेंगे कि वो किस तरह से बनाना सेम वैसे ही है जैसे हमने पहला बनाया था यहाँ पर हम इसमें धागा ज्वाइंट करेंगे देखिए यहाँ पर हम ये एक तीन डबल क्रोशिया इसे हम स्किप करेंगे और यहाँ पर हम धागा ज्वाइंट करेंगे एक दो तीन और हम यहीं पर दो बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे तो ये देखिए हमारे तीन डबल क्रोशिया हो गया एक चेन लेंगे धागा लेंगे और हम यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन एक चेन लेंगे फिर से हम यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया एक दो तीन एक चेन लेंगे फिर से तो इस तरह से बनाते हुए हम गले तक आते हैं बनाते हुए देखिए यहाँ तक बना लेते हैं देखिए बनाते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं अब हम इसमें देखिए धागा लेंगे और जो ये हमारी थ्री की चेन है इसके अंदर हम देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे अब फिर तीन चार यहाँ पर तीन चेन लेंगे एक दो तीन और चार चार, चार चेन लेंगे सॉरी यहाँ पर हम टर्न करेंगे धागा लेंगे और हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए जैसे हमने पहला बनाया था सेम वैसे ही बनाते हुए जाएंगे और इसकी हम लेंथ कंप्लीट करेंगे अब मैं आपको इसकी लेंथ कंप्लीट करने के बाद इसे बैक के पार्ट के साथ ज्वाइंट करने के बाद फिर आपको आगे दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है इसका लुक कैसा आया है तो हम ऐसे ही इसे घटाते हुए जाएंगे और बनाकर इसकी लेंथ कंप्लीट देखिए दोनों कंधे हमारे ज्वाइंट हो चुके हैं और यहाँ पर देखिए हमने एक कंधे में हमने किनारे बना भी ली है अब ये किनारी किस तरह से बनेगी हम आपको ये दूसरी साइड बताएंगे तो चलिए बनाते हैं देखिए इसमें हम यहाँ पर ये यह, जो हमने तीन डबल क्रोस स्किप किया था इसके अंदर हम धागा बांध देंगे देखिए इस तरह से एक चेन बनाई हमने टाइट किया देखिए ये जो हमने एक चेन बनाई है इसे हम यहाँ पर देखिए ये जो तीन डबल क्रोशिया है यहाँ पर हम इसे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से ज्वाइंट करेंगे अब हम धागा लेंगे और यहाँ पर ये देखिए जो हमारा तीन डबल क्रोशिया की चेन है यहाँ पर हम पांच बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो फिर से बनाएंगे तीन चार पाँच पांच हो गया अब देखिए इसे हम यहाँ पर ये यह जो तीन डबल क्रोशिया है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया से इसे इस तरह से ज्वाइंट करेंगे धागा लेंगे फिर हम यहाँ पर पांच बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच फिर हम इसे यहाँ पर जॉइंट करेंगे फिर हम यहाँ पर बनाएंगे पांच बार डबल क्रोशिया देखिए यहाँ पर पांच बार डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे फिर से पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे इस तरह से बनाते हुए देखिए हम यहाँ तक आएंगे यहाँ पर हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर नहीं ज्वाइंट करेंगे हम यहाँ पर बीच में यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे और फिर हम यहाँ पर पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से बनाते हुए राउंड कंप्लीट करें देखिए लास्ट में आ गए हैं यहाँ पर देखिए अब हमने इसे ज्वाइंट किया पहले हमने यहाँ पे ज्वाइंट किया था अब हमने यहाँ पर ज्वाइंट किया है और ये बीच वाले डबल क्रोशिया की जो हमारी चेन है इस इससे हमने स्टार्टिंग की थी तो यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे देखिए स्लिप स्टिच किया फिर हमने यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग की थी यहाँ पर भी हम एक बार स्लीव स्टिच करेंगे एक चेन लेंगे और टाइटली इसे कट करेंगे देखिए इस तरह से इसके आर्म होल बनकर कंप्लीट हो गया है अब हम इस पर गले पर किनारी बनाना स्टार्ट करेंगे तो वो किस तरह से देखिए इस तरह से रखेंगे और हम यहाँ पर इसे बनाना स्टार्ट करेंगे देखिए यहाँ से करते हैं देखिए जब हमने कटिंग की थी तो दो बार हमारे यहाँ पर ये यह सिंगल क्रोश आए थे तो पहले में हम इसे इस तरह से ज्वाइंट करेंगे और सेकंड में हम बनाना स्टार्ट करेंगे ये देखिए पहले में हमने इसे धागे को ज्वाइंट किया और जो ये सेकंड था उसके अंदर हम पांच बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच पाँच हो गए अब देखिए इसे हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे ये जहाँ पर ये दोनों ज्वाइंट है यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट किया धागा लेंगे फिर यहाँ पर हम पांच बार बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच पाँच हो गए अब देखिए ये तीन डबल क्रोशिया तो पहले डबल क्रोशिया के साथ इसे ज्वाइंट करेंगे फिर हम दोबारा बनाएंगे। तो ये हम बनाते हुए नीचे तक आएंगे, जहाँ पर देखिए इनमें एक में बनाएंगे देखिए इनमें हम एक में बनाएंगे एक में ज्वाइंट करेंगे फिर एक में बनाएंगे एक में ज्वाइंट करेंगे इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक आ जाते हैं फिर आगे आपको बताएंगे देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं यहाँ पर अब हमने पांच बनाए हैं तो यहाँ देखिए इन दोनों डबल क्रोशिए के बीच में यहाँ पर जो स्पेस है इसके अंदर हम इस तरह से इसे सिंगल क्रोशिये से ज्वाइंट करेंगे धागा लेंगे अब हम देखिए ये जो हमारी चेन है इसके अंदर हम पांच बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच पाँच हो गए अब हम ये तीन डबल क्रोशिए हैं इनके बीच वाले पर हम इसे सिंगल क्रोशिए से ज्वाइंट करेंगे इस तरह से धागा लेंगे और ये जो हमारी एक चेन है इसके अंदर हम पांच बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच फिर हम बीच वाले पर ज्वाइंट करेंगे फिर हम यहाँ पर पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच पाँच बार बन गए देखिए इस तरह से अब हम इसे यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे जहाँ पर ये दो जो लूप ज्वाइंट है वहाँ पर हम इसे ज्वाइंट करेंगे इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ नीचे तक आ जाते हैं देखिए ये राउंड हमारा यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो गया है अब हम देखिए इसे यहाँ पर तीन चेन के साथ इस तरह से स्लीव स्टिच किया है अब देखिए ये हमारा कॉर्नर पे है कॉर्नर पर है जैसे देखिए ये है हमारा कॉर्नर पर सेम ऐसे ही ये भी हमारा कॉर्नर है तो यहाँ पर हम दस बार डबल क्रोशिया बनाएंगे धागा लेंगे और देखिए इस तरह से दस बार बनाएंगे एक दो तीन चार पांच सात, आठ नौ देखिए दस दस हो गए देखिए इस तरह से तो अब फिर से हम इसे यहां पर ज्वाइंट करेंगे और यहां पर हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर यहां पर ज्वाइंट करेंगे पांच डबल क्रोशिया यहां पर ज्वाइंट करेंगे इस तरह से बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और जैकेट भी हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है और देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है बहुत ही प्यारी हमारी ये जैकेट बनी है उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पसंद आई होगी अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू